The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. जेल में हुई आत्महत्या को हत्या व बताने वाले परिवार ने की पुलिस अधीक्षक को शिकायत। कुछ समय पहले केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में एक बंदी सिराजुद्दीन पिता ताजुद्दीन ने टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन परिवार का कहना है आत्महत्या नहीं थी, वह हत्या कराई गई थी। बंदी के पिता ताजुद्दीन अपने परिवार के साथ उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला के पास पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट। दादा बताइए, आज आप इसके ऑफिस आए हो, क्या है मांग आपकी? साहब, ये इंसाफ के लिए आया हूँ मैं। सिराजुद्दीन में उसका पिता हूँ, मेरे बच्चे की जेल के अंदर हत्या की गई है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। रात को उसको ले आके उसकी हत्या की और माँ टावर के नीचे ला के पटक दिया और बोले कि टावर से गिर गया है, इसने आत्महत्या कर ली। और मुझे शंका ये है कि मेरा बच्चा कभी हत्या नहीं कर सकता है, मेरे साथ में रहता था और मैं जानता हूँ उसे कि वह आत्महत्या का पर्सन जानता है कि आत्महत्या क्या चीज़ होती है। इस कारण मेरे बच्चे ने आत्महत्या नहीं की, उसकी आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। माँ के स्टाफ के लोगों को मालूम है कि ये प्रकरण कैसा क्या हुआ है। ये माँ के जो पुलिस जो चौकीदार हैं और जो माँ पे निगरानी करने वाले हैं, इन लोगों से पूछताछ किया जाए तो मेरे बच्चे का इंसाफ चले। मेरा नाम है ताजुद्दीन, सिराजुद्दीन का पिता।